दोपहर के 12 बज चुके हैं और आज हम लोग फिर से एक बार मौजूद हैं एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल क्लास के साथ, जिसकी आप सबने बहुत दिनों से मांग कर रखी थी। मैंने कहा चलिए आज आप लोग के लिए पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूं। हाय पुष्पक, संद्रा, रितो, दीपा, अजय, अनूप, अपर्णा, आयुष, भूषण, नरेश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद ऑफिसर्स, आई होप द जोश इज ऑलवेज हाई। ठीक है सोनी, बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि मेरा नाम कासिफ अंसारी है और मैं पिछले 10 सालों से भारत के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को CDS, CAPF इन सब एग्जाम्स की तैयारी कराता आया। देखो बेटा, कहते हैं कि एग्जाम निकालना तो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। एग्जाम निकालना तो एक अलग ही प्रोसेस है। कहते हैं कि एग्जाम निकालने से पहले एग्जाम की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि बेटा, जिस इंसान ने अपना होमवर्क अच्छे से किया उस इंसान को एग्जाम में सफलता जरूर मिलती। तो बेटा एग्जाम जो है ना, वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है। भूल जाओ, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम सिर्फ पढ़ाई करके एग्जाम निकाल लोगे, कभी नहीं बेटा। एग्जाम निकाला जाता है बेटा एक अच्छी स्ट्रैटेजी से। आज हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए CDS या CAPF को एग्जाम को निकालने के लिए। सबसे पहले आप ये बताइए, आप लोग को तीन में से एक आंसर लिखना है। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग CDS की तैयारी कर रहे हैं, CAPF की तैयारी कर रहे हैं, या बोथ? तो आप अपना आंसर लिख के ऐसे भेजेंगे, तीन में से एक ऑप्शन, CDS, CAPF या बोथ। फटाफट सब लोग आंसर लिख के भेजें। ओके, मेरे पास आंसर आ रहे हैं, CDS, CAPF, बोथ। ठीक है, बोथ। कुछ लोग दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की CDS एग्जाम होता है साल में दो बार और CAPF होता है साल में एक बार। ठीक है, मोहम्मद आबिद खान, बहुत अच्छी बात है। तो CAPF होता है बेटा एक बार और CDS होता है दो बार, जिसमें CDS 1 तो आपका हो चुका है, CDS 1 हो चुका है, अब CDS 2 की बारी है। देखो बेटा, अब पहले तो मैं बता दूं कि CDS 2 का पेपर कब होगा। देखो बच्चों, CDS 2 अभी सब बताएंगे बेटा। आज आप लोग के जितने डाउट्स है ना, अटेम्प्ट्स को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, प्रैक्टिस को लेकर के, एज क्राइटेरिया को लेकर, क्वालिफिकेशंस को लेकर के, सब दूर कर दूंगा, लेकिन आपको 1.5 घंटे बैठना पड़ेगा बेटा। ये आज आपको अपने जीवन के 1.5 घंटे निकालने पड़ेंगे, लेकिन आज के बाद मैं ये वादा करता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आज के लिए बस इतना कर लो मेरा साथ कि 1.5 घंटे मुझे दे दो बेटा, बस 1.5 घंटे। ठीक है, तो 1.5 घंटे मुझे दे दो, आज के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा एग्जाम्स को लेकर के, ये मेरा वादा है बेटा। मैंने बहुत सिलेक्शन दिए हैं, मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बता दूं कि CDS 2 2019 का जो एग्जाम है उसमें हमारे बैच से 200+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बच्चों रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में मैंने 200 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं CDS 2 2019 में। तो मैं चाहता हूं कि आप शांति से सुने, आज रिटर्न की भी बात होगी, SSB की बात होगी, दोनों की बातें होंगी। ठीक है बच्चों, दोनों की बातें होंगी। रिटर्न कैसे निकालना है, SSB कैसे निकालना है, पूरी चीजें बताऊंगा। बस सब लोग अब थम्सअप दिखा दें। चलिए पहले हम CDS की बात करेंगे। तो शुरुआत के 45 मिनट CDS और आखिरी के 45 मिनट CAPF। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो CDS 2 का एग्जाम कब होना है? तो CDS 2 का एग्जाम होना है 8 नवंबर 2020 को। बहुत बढ़िया। और CAPF का एग्जाम कब होना है? तो मैं आपको बता दूं कि CAPF का पेपर होना है 9 अगस्त 2020 को। तो बेटा, और ये दोनों पेपर आपको मालूम है कौन कराता है? ये दोनों पेपर UPSC कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक चीज बच्चों याद रखना, ये दोनों पेपर UPSC कराता है। तो एक चीज याद रखना बेटा, ये लक्ष्मण रेखा है। पिछले 10 साल में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि एग्जाम एक दिन भी डिले हुआ हो, कभी नहीं होता है।
तो बेटा ये 8 नवंबर और 9 अगस्त की डेट याद रख लेना, ठीक है? ये डेट्स याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम की बेटा लक्ष्मण रेखा है, ये डिले नहीं होगा अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो जाए देश में, तो बात अलग है। बिल्कुल दूंगा शिवानी शर्मा, बेटा पहले देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अब समझो, अब होता क्या है कि बेटा मैंने जो है सच बताऊं ये पेपर सीडीएस का निकाला था 2010 में, 2010 में मैंने सीडीएस का रिटर्न निकाला था और 2013 में मैंने सीएपीएफ निकाला। और उस समय बताऊं बेटा, उस समय एग्जाम की जो लेवल होता था वो कंपैरेटिवली इजी होता था, सच बता रहा हूं उस समय कंपैरेटिवली इजी होता था। उस समय जो है बेटा मैं सच बता रहा हूं आप 4 महीने की पढ़ाई कर लेते थे, 3-4 महीने की पढ़ाई काम हो जाता था। अब ऐसा नहीं रहा, याद रखिएगा सन 2016 ऑनवर्ड्स याद रखिएगा बेटा ये काफी मुश्किल होता जा रहा है पेपर। 2016 के बाद पेपर काफी टफ हुए और यूपीएससी ने दिखाया कि भैया सीडीएस की तैयारी करना आज की तारीख में अगर यूपीएससी सिविल सर्विस नहीं है तो उससे बस 20% कम है, याद रखिएगा, ठीक है? जय हिंद, आ जाइए बच्चों। तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उससे जो प्रिलिम्स एग्जाम मेंस ने यूपीएससी का जो प्रिलिम्स एग्जाम होता है उससे 20% कम है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो बेटा आज की तारीख में अगर मेहनत, अगर सच बता रहा हूं तो 6 महीने तो बेटा तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, 6 महीने तो पढ़ने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले बात आती है सीडीएस की। चलिए आज हम लोग पहले शुरू करेंगे सीडीएस 2020। तो सीडीएस 2020 में सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन किस दिन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन जो है बच्चों आपका 5 अगस्त 2020 को आएगा। और अगर कोई इंसान इस दिन की तैयारी कर रहा है कि नोटिफिकेशन आके आने के बाद मैं तैयारी करूंगा तो बेटा भूल जाओ, अगर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करनी है तो सीडीएस 1 2021 के लिए करना, सीडीएस 2020 नहीं निकलेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद बेटा सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जो ऑलरेडी से पढ़ाई कर चुके हैं, जिनको रिवीजन चाहिए वो नोटिफिकेशन के बाद कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश तैयारी आप नोटिफिकेशन के बाद नहीं कर सकते। अच्छा, अब फॉर्म फिल आप कब तक कर सकते हैं? तो याद रखिएगा फॉर्म फिल करने की तारीख जो होगी वो आपकी 25 अगस्त 2020 होगी, 25 अगस्त 2020 होगी आपकी फॉर्म फिलने की तैयारी। और एग्जाम जो होगा किस दिन होगा, एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट होगी बेटा 8 नवंबर 2020। तो अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास टोटल 8 महीने हैं, कितने 8 महीने। तो बेटा मैं सच बता रहा हूं ये बेस्ट टाइम है, एग्जाम की तैयारी कर लो क्योंकि बेटा 6 महीने तो सिलेबस करने में लग जाएंगे, 6 मंथ्स, 6 महीने तो सिलेबस करने में लग जाएंगे और आपके पास अभी 2 महीने का एक्सेस टाइम मिलेगा सीडीएस वालों को। सीएपीएफ वालों को सिर्फ 6 महीने हैं और सीडीएस वालों को 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये फायदा है, याद रखिएगा। बेटा इतना बड़ा एग्जाम निकाल रहे हो, कंधे पे सितारे लगेंगे बेटा। एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने कहा था कि 2 stars ऑन माई शोल्डर्स आर बेटर देन मिलियंस इन द स्काई, मेरे कंधों पे 2 सितारे आसमान के लाखों करोड़ों से ज्यादा अच्छे हैं। तो याद रखना बेटा अगर बनना है, ऑफिसर बनना है तो 6 महीने तो देने पड़ेंगे बेटा, और छोटे मोटे ऑफिसर नहीं बन रहे हो बेटा, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनोगे समझ लो बेटा, लाखों रुपए सैलरी होती है आज की तारीख में तो, अगर आप सीडीएस क्वालिफाई करके जाते हैं। अच्छा अब सुनो, अब बात आपको मालूम है कि सीडीएस में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो आप लोग को बहुत ज्यादा, सब बता देंगे पुष्पक समझ, रुक जाइए, कुछ चीजें आपको मैं बता दूं जो आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो बेटा पहली चीज ये है कि सीडीएस में कोई अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं, नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, याद रखिएगा, नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, याद रखिएगा। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में होते ना कि 4 आपको देने हैं, जनरल में है, ओबीसी में है तो 7 दे सकते हैं, यहां पर नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, आप जब तक आपकी एज ना हो जाए जब तक आप दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सो कोई अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होंगे यहां पर, ठीक है, सब बताऊंगा, अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते हैं, जब तक एज है जब तक दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये है बेटा कि आपको अनमैरिड होना पड़ेगा,
याद रखिएगा, शादी की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, शादी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कृपया करके अगर शादी वगैरह का प्लान है तो 1-2 साल अभी उसे टाल दो बेटा, शादी का कोई वो नहीं है, याद रखिएगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको यहां पर एक चीज याद रखिएगा बेटा कि सीडीएस के एग्जाम में कोई भी रिजर्वेशंस नहीं होते हैं, नो रिजर्वेशंस। सेना में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, कुछ नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है सीडीएस के एग्जाम में। तो सीडीएस के एग्जाम में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा सीडीएस 2 में, याद रखिएगा। आंखें खोल के, कान खोल के सुन लो, आंखों से देख लो, नो रिजर्वेशन। अब आपका प्रश्न आएगा कि सर ये बताओ कि वैकेंसी कितनी आएगी। सर वैकेंसी कितनी आएगी तो मैं आपको बता दूं कि सीडीएस 2 की जो वैकेंसी होंगी वो 400 से लेकर 450 के आसपास होंगी, 450 वैकेंसी होंगी, 450 वैकेंसी होंगी। और आप कहेंगे सर ये बताइए कैंडिडेट्स कितने बैठेंगे, तो कैंडिडेट्स मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट करीब करीब 2.5 लाख के आसपास बेटा, ये 400 के आसपास हमेशा रहती है प्रियदर्शनी जो है, ये 400 के आसपास हमेशा रहती है, 400-450। और ये आने वाले समय में बढ़ेंगी, याद रखिएगा। कारण ये कि देश के सेना को बहुत अफसर चाहिए, हमारी सेना में अभी 4 गुना अफसरों की जरूरत है। तो कैंडिडेट्स हैं 2.5 लाख और वैकेंसी है 450 के करीब। आप कहेंगे सर इतनी कम वैकेंसी, नहीं बेटा बहुत है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 2.5 लाख जो कैंडिडेट्स हैं, सुन लो बेटा, इसमें से 50% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म भरने के नाम पर फॉर्म भरा होता है। मतलब कि पहले बेटा 1,25,000 बच्चे, ये मान लो कि 1,25,000 तो फॉर्म भरते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उन्हें एग्जाम देना है। अच्छा सच बताऊं तो बेटा इसमें से 50% ऐसे होते हैं जो तो फॉर्म इसलिए भरते हैं कि शहर घूमने को मिल जाएगा, सच बता रहा हूं। तो बचे कितने, ऑलमोस्ट 65,000 बचे। इसमें से 50% ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्जाम तो निकालना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो बचेंगे बेटा आपके पास 30,000 लोग। सो सच बता रहा हूं कि आपका जो कॉम्पिटिशन है बेटा इन 30,000 लोगों में से है, 30,000 लोगों में से है, सच बता रहा हूं, 30,000 लोगों में से आपका कंपटीशन होगा। अब इस कंपटीशन में मैं आपको बता दूं कि 30,000 में ऑलमोस्ट 25% रिटन एग्जाम निकाल लेंगे। जो 30,000 पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें से 25% रिटन एग्जाम निकाल लेंगे, तो रिटन एग्जाम में ऑलमोस्ट 8,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। सो ऑलमोस्ट 8,000, हर 4 में से एक बच्चा पहुंच जाएगा। और उसके बाद रिटर्न के बाद फाइनल सिलेक्शन जो है बेटा वो आपका 400 से 450 लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा बेटा कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है इस एग्जाम को निकालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सच बता रहा हूं। 30,000 लोगों में कॉम्पिटिशन है। और मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आज भी हमारे देश के लोगों में एक चीज है कि उन्हें आज भी IAS IPS ज्यादा जो है वो क्या करता है, ज्यादा उन्हें मोटिवेशन देता है। कारण क्या है कि वहां लोगों को कमाई होती है, लेकिन यहां मालूम है कि बेटा यहां तो देश की सेवा करनी, कमाई कोई नहीं है, सियाचिन और कारगिल में अलग जाके बैठना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम है ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर जज्बा है देश की सेवा का, ये उन लोगों के लिए जिनको वर्दी पहनने में प्राइड फील होता है, जैसे मुझे था बहुत शौक, सच बता। तो वर्दी पहनने का जो प्राइड है ना बेटा, ये उन लोगों के लिए, ये मतलब उन लोगों के लिए नहीं है, ये एग्जाम पैशनेट लोगों के लिए, जो पैशनेट है बेटा देश की सेवा करने के लिए, दुश्मन से भिड़ने के लिए, देश की वर्दी पहनने के लिए, ये उनके लिए एग्जाम है, ठीक है। अच्छा अब प्रश्न ये आता है, सुन लो कि अब आपके सीडीएस में आपको 4 जगह एंट्री मिलती है। सीडीएस में बेटा आपको, अब एक चीज सुन लो, अब आपको 4 जगह एंट्री मिल सकती है। पहला एंट्री होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, IMA में। दूसरी एंट्री आपको मिलेगी बेटा INA में, इंडियन नेवल एकेडमी में। तीसरी एंट्री आपको मिलती है बेटा एयरफोर्स एकेडमी में, AFA में। और चौथी एंट्री मिलती है आपको
ओटीए में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चार जगह एंट्री मिलती है। अब इसमें से जो शुरुआत के तीन हैं, ये बेटा ओनली फॉर मेल्स, ये जो हैं तीनों एग्जाम सिर्फ मेल्स के लिए हैं, सिर्फ पुरुष ही दे सकते हैं, और ओटीए जो है ये मेल और फीमेल दोनों दे सकते हैं। ध्यान से सुनो, ओटीए जो है वो मेल और फीमेल्स दोनों देंगे, जबकि आईएमए, आईएनए और एएफए सिर्फ मेल्स दे सकते हैं, महिलाएं नहीं दे सकती। ठीक है बच्चों, अब सुनो, ये जो तीनों शुरुआत वाले हैं ये बेटा परमानेंट कमीशन वाले हैं, मतलब यहां पर अगर आपकी नौकरी लगेगी सो आप जो हैं अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, आप 60 साल की उम्र तक यहां पर सेवा करेंगे, ये परमानेंट कमीशन है अप टू द एज ऑफ 60, जब तक आपके 60 साल नहीं हो जाए। जबकि ओटीए जो है बेटा वो क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एसएससी कहते हैं, यहां पर आपको 14 साल तक नौकरी करनी होगी, 14 ईयर्स ऑफ सर्विस। अच्छा, 14 साल के बाद आपको परमानेंट कमीशन का ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है। परमानेंट कमीशन सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे उत्तम। 14 साल के बाद आपको परमानेंट कमीशन का ऑटोमेटिक ऑप्शन है। हालांकि ये ऑप्शन पहले सिर्फ पुरुषों को दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते पहले गाइडलाइन बना दी है कि अब ये परमानेंट कमीशन का ऑप्शन फीमेल्स को भी दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, अब महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा और ये 1 मई 2020 से लागू हो जाएगा, तो CDS-2 में आपको मिलेगा, ये कोई समस्या की बात नहीं। सो आपको ऑटोमेटिक परमानेंट कमीशन मिल जाएगा, आप चाहें तो, ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? थम्सअप दिखाएंगे सारे लोग यहां तक, बहुत बढ़िया, सारे लोग थम्सअप दिखाएंगे, यहां तक क्लियर है, ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ भाई आप समझ रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब फीमेल्स को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा, याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं है, महिलाएं भी अब पूरी तरह से सेना का हिस्सा होंगी। अब बात आती है, अब प्रश्न ये है कि कई बच्चे कहते हैं सर एज लिमिट बता दो, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो एज लिमिट मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा, CDS-2 2020 की, CDS-2 2020 की एज लिमिट क्या होगी? तो ये एज लिमिट निकाली जाएगी, याद रखिएगा, एज ऑफ 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 के अनुसार आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, 1 जुलाई 2020 के अनुसार आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, 1 जुलाई 2020 को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। बार बार मत पूछना, बता दे रहा हूं, अगर तुम आईएमए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपकी उम्र जो है मिनिमम 19 इयर्स, कम से कम 19 पूरी हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम 24 इयर्स। तो याद रखिएगा, अगर आप 1 जुलाई 2020 के दिन 19 साल के हो गए हैं और 24 साल से ज्यादा के नहीं हैं तो चलेगा, कोई समस्या नहीं है आईएमए के लिए। याद रखिएगा बेटा, ठीक है, 1 जुलाई 2020 के दिन आपकी उम्र बेटा इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी में जा रहे हैं तो याद रखिएगा मिनिमम 19 इयर्स, वही सेम कंसेप्ट है, और मैक्सिमम 24 इयर्स। ठीक है, सुनते रहो बेटा, अगर आप एयरफोर्स एकेडमी में जा रहे हैं, एयरफोर्स एकेडमी में, तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 24 साल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एयरफोर्स में 1 साल बढ़ा दिया गया है। और अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 25 साल उम्र हो सकती है आपकी, मैक्सिमम 25 ईयर्स। ओटीए में थोड़ा फायदा। अच्छा, अब देखो एएफए में जो है 20 से 24 है, लेकिन अगर आपके पास सीपीएल है, सीपीएल का मतलब होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जैसे जो लोग इंडिगो उड़ा रहे हैं, गो एयर उड़ा रहे हैं, ये सब क्या है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। तो आपके पास
टू इयर्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सुन लो बेटा सुन लो, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो 2 साल का बेनिफिट है यहां पर, मतलब आप फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 24 है, लेकिन अगर एयरफोर्स, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो फिर 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 26 हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, मेरे पास सर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है सर, या मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। बहुत अच्छी बात है, आपने स्कूल में मेहनत करी है। याद रखिएगा कि एनसीसी का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, सीडीएस एग्जाम में उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। कान खोल के सुन लो, कोई बेनिफिट नहीं है, सुन लो बेटा, कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, आपके लिए कोई भी हो, आप कोई भी व्यक्ति हो, नो एज रिलैक्सेशन, क्योंकि कोई डिफेंस में बेटा कोई आपका रिजर्वेशन नहीं है, तो कोई भी प्रकार का आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। So, किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट का कोई बेनिफिट नहीं है, याद रखिएगा। तो आप बार बार ये मत पूछेगा। अब मेरे ख्याल से आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, सब लोग बता दिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। राहुल साहब, इस दिन आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, इस दिन, ठीक है, यहां तक सब लोग थम्सअप दिखा दे भाई, सारे लोग यार थम्सअप दिखाया करो ताकि मुझे मालूम चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एज लिमिट तो हो गई, अब आप कहेंगे कि सर क्वालिफिकेशन, सर क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सर ये बता दो। तो हो सकता है सुमित साहब आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, सीएपीएफ के लिए, रुक जाइए वो भी बताऊंगा। तो फिर बेटा आप सीएपीएफ के लिए रुक जाइए, अभी आपको मालूम चलेगा। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। सुनो, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, देखो बेटा, अगर आप IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी और OTA के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और OTA के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो बेटा तुम ग्रेजुएट होने चाहिए, ध्यान से सुन लो, क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बीटेक हो, लॉ ग्रेजुएट हो, डेंटिस्ट हो, कुछ भी हो, इग्नू से हो, ओपन स्कूलिंग से हो, करेस्पॉन्डेंस हो, रेगुलर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएट होने चाहिए बस, चाहे कहीं से भी हो, ओपन एजुकेशन हो आपकी, इग्नू से हो, चाहे करेस्पॉन्डेंस हो, रेगुलर हो, ऑनर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू शुड बी ग्रेजुएट विद 33% मार्क्स, बस 33% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए, क्लियर है। बिल्कुल, आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। याद रखिएगा कि अपियरिंग स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, याद रखिएगा अपियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, और याद रखिएगा कि अपियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर सकते हैं, और लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन उनका इंटरव्यू होगा SSB का, उस दिन उन्हें अपनी डिग्री दिखानी होगी, या सुन लो बेटा, बहुत अच्छा बता रहा हूं बेटा, कि याद रखिएगा कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारा SSB इंटरव्यू होगा उस दिन डिग्री दिखानी होगी, और SSB इंटरव्यू मान लो कि एग्जाम होने के 6 महीने के बाद तक एप्लीकेबल है, तो मान लो ये एग्जाम नवंबर में होगा, सो मई 2021 तक अगर तुम्हारी डिग्री तुम्हारे हाथ में है तब कोई समस्या नहीं है बेटा, तैयार रखो। ठीक है, अगर आप INA की तैयारी कर रहे हैं, देखो बेटा इंडियन नेवल एकेडमी की तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर एक चीज है, यहां पर एक चीज है, वो ये है कि यहां पर बीटेक या BE होना अनिवार्य है, समझ लो, यहां पर आपका बीटेक या BE होना अनिवार्य है, इसमें जो है बीटेक और BE के अलावा और कोई नहीं दे सकता एग्जाम, इसके लिए आपका इंजीनियर होना अनिवार्य है, BSc नहीं चलेगा, याद रखिएगा। तो आपका इंजीनियर होना अनिवार्य है, और एक चीज बता दे रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी बता रहा हूं,
लोगों को लगता है कि हमें बहुत फायदा मिलेगा। मैं एक चीज आज आपको बता रहा हूं, अगर आप में से कोई पोस्ट ग्रेजुएट है जिसने एमटेक कर रखी है या एमएससी कर रखा हो, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं बेटा, कभी इंटरव्यू में जाना तो मत बताना कि तुमने एमटेक कर रखा है, पीएचडी कर रखी है। नहीं सर, मैंने सिर्फ ग्रेजुएट हूं मैं। कारण है, मैं बता दे रहा हूं बेटा, बाहर हो जाओगे इंटरव्यू में, कारण है, वो ये कह देंगे ये बंदा ओवर क्वालिफाइड है जॉब के लिए, बाहर कर देंगे, याद रखिएगा। इसलिए बेटा हमेशा तुम लोग को एक टिप बता रहा हूं, कभी भी अगर पोस्ट जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो, जो आपसे क्वालिफिकेशन पूछी गई है, हमेशा वही बताना इंटरव्यू में, सर मैं इतना ही पढ़ा हूं। ये ना सोचना कि चपरासी का इंटरव्यू देने जा रहे हो और कह दो कि मैं पीएचडी होल्डर हूं, निकाल देंगे तुम्हें तुरंत बाहर। क्यों भैया, तुमने जो है जब पीएचडी करी है तो भाई तुम चपरासी का इंटरव्यू क्यों दे रहे हो? उसी तरह का तुमने एमटेक किया है तो वो तुमसे कहेंगे जाके पढ़ाओ यूनिवर्सिटी में, यहां क्या करने आए हो। तो बेटा कभी मत कहना, याद रखना, बहुत अच्छा बता रहा हूं, आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मत बताइएगा वहां पर, सर मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूं, कोई समस्या नहीं है। अच्छी लगी बात बेटा, ये तुम्हें बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, वरना वो ओवर क्वालिफाइड कर देंगे, तुम्हें बता देंगे कि ओवर क्वालिफाइड है इंसान। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके साथ ऐसा हो चुका है 2 SSB में, इसलिए मैंने उसको कहा कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो मैंने उसकी सीवी देखी तो मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है। उसको मैंने कहा कि तुम अगली बार मत बताना पोस्ट ग्रेजुएट, अगली बार गया उसका सिलेक्शन हो गया, आज वो सेना में नौकरी कर रहा है। तो ये चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, ये कभी मत बताना कि तुम भैया वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तुम्हारी कोई फायदेमंद नहीं होती है। नेक्स्ट आता है एयरफोर्स अकेडमी। एयरफोर्स अकेडमी में देखो बेटा, तुम ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी, कोई समस्या नहीं हो, तुम कोई भी ग्रेजुएट हो, बट फिजिक्स एंड मैथ्स कंपल्सरी, अभी सब बता रहे हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स कंपल्सरी एट 10+2 लेवल। याद रखिएगा कि आपके पास 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स होनी जरूरी थी, ग्रेजुएट कोई भी हो लेकिन 10+12 लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। अगर 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स नहीं थी तो एयरफोर्स के लिए मत भरना, ठीक है बेटा। तो फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है 10+2 लेवल पर एयरफोर्स के लिए। कारण यह है कि एयरफोर्स वाले लोगों को बहुत टेक्निकल चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बेटा वो लाइट, ये एयर वैक्यूम, दुनिया भर की चीजों को समझना होता है। इसलिए अभी सब बता रहे हैं रोहित कुमार, टेंशन ना लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम आप सीडीएस में दे रहे हो, नोट, नो परसेंटेज क्राइटेरिया, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है बेटा। 33% नंबर से भी अगर पास हुए हो, ग्रेस लगाकर पास हुए हो, 4 साल की इंजीनियरिंग 5 साल में की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। बैक पेपर लगा था, ग्रेस लगी थी, 4 साल की इंजीनियरिंग 6 साल में की है, कोई समस्या नहीं है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं, ठीक है, बात समझ में आई। यहां तक सब लोग थम्सअप दिखा दें। तो इतना करने के बाद भाई साहब तुम एग्जाम के लिए तैयार हो, अब तुम एग्जाम के लिए तैयार हो, अब तुम्हें बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब रिटन एग्जाम जो है बेटा वो 2 टाइप का होता है। रिटन एग्जाम जो है सीडीएस का, एक तो बड़ा एग्जॉस्टिव होता है बेटा, वो 1 दिन का होता है लेकिन पूरा दिन खाएगा तुम्हारा, याद रखिएगा। 2-2 घंटे के 3 पेपर, 2-2 घंटे के 3 पेपर और 1-1 घंटे का ब्रेक, तो आपके 9 घंटे एक दिन में खाता है, तो काफी एग्जॉस्टिव पेपर होता है। तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना बच्चों। अब आप कौन सा पेपर के लिए अप्लाई किए हैं, आइए देखते हैं। याद रखिएगा, आपने IMA के लिए किया है, INA के लिए किया है, आपने एयरफोर्स एकेडमी के लिए किया है। किसके लिए किया है, समझ में आएगा पहले बात। अगर तुमने बेटा, याद रखिएगा, अगर आपने IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई किया है, तो आपको देने पड़ेंगे बेटा 3 पेपर,
ये पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, याद रखिएगा 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। और अगर आपने ओटीए के लिए अप्लाई किया, ये उन लोगों के लिए जिनको मैथ से डर लगता है, ये 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो महिलाएं जो है बेटा वो सिर्फ यही दे सकती हैं, महिलाएं इधर तो आ नहीं सकती, आपको मालूम है। अब सुनो कि 300 मार्क्स के पेपर में सबसे पहला पेपर होगा आपका अंग्रेजी, सबसे पहला पेपर होगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी में आएंगे 120 क्वेश्चन, नंबर होंगे 100। यहां पर भी सेम होगा, सबसे पहला पेपर अंग्रेजी पेपर, दोनों सेम होंगे, कोई डिफरेंट नहीं होंगे। 120 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे, बहुत बढ़िया। दूसरा पेपर होगा जनरल स्टडीज, 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यहां पर भी सेम होगा, 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो भैया आपके ओटीए वालों का तो काम हो गया, ओटीए वाले 200 नंबर, तो ओटीए वाले जो है वापस आ जाएंगे, इसके बाद नहीं बैठेंगे वो, तो ओटीए वाले 240 क्वेश्चन करेंगे और 200 मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जो लोग इसमें आएंगे उनको अगला पेपर भी देना पड़ेगा मैथ्स का, जहां पर होंगे बेटा 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। सो आप कह सकते हैं कि 340 क्वेश्चन और 300 मार्क्स आपको मिलेंगे, 240 क्वेश्चन और 200 मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब समझो, अब कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मैंने आईएमए भरा था, मैंने आईएनए भरा था और मैंने ओटीए भरा था, तो सर मैंने मैथ्स का पेपर नहीं दिया तो क्या मैं ओटीए के लिए गिना जाऊंगा? बिल्कुल गिने जाओगे, लेकिन तुमने आईएमए आईएनए और एएफए भरा है, ओटीए नहीं भरा है और मैथ्स का पेपर नहीं दिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, याद रखिएगा। तो बेटा आपको पेपर देने हैं तीनों, याद रखिएगा, तीनों पेपर देने हैं। और याद रखिएगा आज तक के इतिहास में हमेशा सीडीएस के एग्जाम में बेटा सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, सीडीएस के एग्जाम में याद रखना बेटा सेक्शनल कट ऑफ होती है, जो कि 20% मार्क्स होती है ईच सब्जेक्ट में, 20% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आपको 20% मार्क्स लाने होते हैं। मतलब आपका ये है कि आपने इंग्लिश दिया और 20 मार्क्स नहीं आए तो आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। तो आपको सबने 20-20-20 नंबर लाने अनिवार्य हैं। मतलब आपके मान लीजिए, मान लेते हैं कि एग्जाम की कट ऑफ गई है सीडीएस, मान लीजिए ओटीए की कट ऑफ गई है 100 मार्क्स, फॉर एग्जांपल हम भैया इंग्लिश में लिया है, इंग्लिश में लिया है 90 और जीएस में लिया है 115, तो आपने कहा सर मेरा स्कोर तो 105 हो गया, मैं तो पास हो रहा हूं। नहीं, पास नहीं हो गए, क्योंकि जीएस की सेक्शनल कट ऑफ पास नहीं हुई तुम्हारी, समझ रहे हो। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ पास करनी है हर एग्जाम में 20%। हालांकि मैंने एक बार आज तक एक्सेप्शन देखा है बेटा, मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि एक पेपर हुआ था बेटा जिसका नाम था सीडीएस 1 2019। भाई इस पेपर मैंने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा, सीडीएस 1 2019 की जीएस इतनी भयंकर दे दी थी कि भैया कमीशन को खुद अपने आप पे शर्म आ गई, भैया इतना टफ पेपर क्यों बना दिया, सिविल सर्विस का एग्जाम थोड़े ना दिलवाना था बच्चे को। तो याद रखिएगा एक बार आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है कि 10% ही रखा गया था कट ऑफ जीएस की, तो जीएस की कट ऑफ 10% ही रखी गई थी क्योंकि बहुत टफ हो गया था पेपर, बच्चों के 10 नंबर भी नहीं आ रहे थे। सो ये एक्सेप्शन है, वैसे अब सीडीएस 2 2019 और सीडीएस 1 2020 में जीएस बहुत बढ़िया है, कोई समस्या। तो अब बात यह है कि बेटा आपको 20% मार्क्स सब में लाने। अब बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर सेफ स्कोर क्या है? देखो बेटा मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं सेफ स्कोर क्या है, सुन लो, सेफ स्कोर हमेशा कहते हैं बेटा कि पहले ही आगे बढ़त बना के चलो, कोई समस्या नहीं होगी, पहले ही बढ़त बना के चलो, कोई समस्या नहीं होनी कभी एग्जाम में। तो अगर आप आईएमए आईएनए और एएफए दे रहे हैं या आप ओटीए दे रहे हैं तो सेफ स्कोर क्या है? देखो बेटा सच बताऊं तो इंग्लिश में 60 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, मैथ्स में
50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, और जीएस में 40 प्लस नंबर लाना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। मतलब मेरा बच्चा हमेशा 150 प्लस नंबर लेके आता है, मेरे सभी स्टूडेंट्स 150 प्लस पर हमेशा रहेंगे। और याद रखिएगा, 150 लिया हो बेटा, कुछ भी हो, चाहे एयरफोर्स ही क्यों ना हो, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, ये मैं गारंटी देता हूं। 150 प्लस का टारगेट हमेशा लेके चलो। ओटीए वालों का टारगेट होना चाहिए इंग्लिश में 60, बहुत इजी है लाना, और जीएस में 40 प्लस। तो भैया आपको 100 प्लस मार्क्स लेके आने हैं ओटीए वालों को, और 6 महीने की प्रिपरेशन में तुम आराम से ला सकते हो, ठीक है। अब फाइनली जो लोग भैया पास हो जाएंगे उनकी जो है, तो मैंने आपको बताया कि करीब 8000 बच्चे पास हो जाएंगे इस एग्जाम में। 8000 बच्चों के पास होने के बाद उन्हें कॉल आएगी एसएसबी की। क्लियर है भाई यहां तक सबको? रिटर्न क्लियर हो गया, जल्दी बताइए। अब आपको बात आएगी बच्चों किसकी, अब आपको बुलाया जाएगा एसएसबी के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। और एसएसबी में जाने के लिए पहले एक कुछ चीजें अपने लिए देख लो बेटा, पहले ही अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लो बेटा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स अपने पहले ही देख लो। 2 स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में 2 हैं, ये मतलब मैंडेटरी है बेटा, 2 फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI वो लेस देन 25 होना चाहिए, पहली चीज। बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से कम होना चाहिए, मतलब भैया मोटापा ना हो मेरे जैसा, अब तो मैं मोटा हो गया हूं बेटा, ठीक है, तो अब मेरा जो BMI है वो करीब 27-28 हो गया होगा, तो 25 से कम रहना चाहिए BMI आपका। और हाइट जो है मेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर, इससे कम हाइट है तो अप्लाई मत करना बेटा। हाइट मेल्स के लिए 157 और फीमेल्स के लिए 152। ये बेटा मोटापा होता अभिषेक राणा, जाकर किसी भी मशीन पे खड़े हो जाना, अच्छी वाली मालूम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। घनश्याम जैन, आप बीटेक हो गए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब समझो, महिलाओं के लिए इतनी होनी चाहिए, लेकिन मेल्स अगर एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहते हैं, AFA में जाते हैं, तो बेटा वहां पर हाइट थोड़ी ज्यादा चाहिए, 162 सेंटीमीटर चाहिए, 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन अब 2 तरह के लोगों को एक्सेप्शन है। अगर आप हिली एरियाज के रहने वाले हैं, पहाड़ी इंसान हैं, जैसे उत्तराखंड के हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह के हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड के रहने वाले हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का बेटा रिलैक्सेशन, ठीक है बेटा, ये हाइट में क्लियर है। अब बच्चे मुझसे कहते हैं सर मेडिकल स्टैंडर्ड, सर कुछ नहीं है बेटा, 2 हाथ होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए, साफ दिखना चाहिए, साफ सुनना चाहिए, साफ सूंघना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, मतलब कोई एबनॉर्मैलिटी ना हो बेटा, ये फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए और कोई एबनॉर्मैलिटी ना हो बस, और सब चलता है। एबनॉर्मैलिटी जो होती है ना वो ना हो बेटा, सब चलेगा बेटा, कोई समस्या नहीं। चश्मा बेटा चलता है लेकिन वो लेजिक से काम हो जाता है। नॉक नीज भी बेटा, उसमें भी कई क्राइटेरिया होते हैं, मतलब वो बहुत मेजर ना हो तो चलेगा, ठीक है, तो कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। BMI बेटा अंजनी कुमार बेटा वो आपके मोटापे से रिलेटेड होता है, जाकर जो अच्छी मशीनें होती ना उस पर खड़े हो जाना, वहां पर आपको मालूम चल जाएगा। अब इसके बाद आपका SSB शुरू होगा। सुनो बेटा, SSB जो है वो 5 दिन चलता है, 5 डेज चलता है, जिसमें 2 तरह के होते हैं, 1+4। सो 1+4, तो पहला होता है स्टेज वन होती है जो कि Day 1 पर होती है, तो यहां स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बहुत सारे लोग यही निकल जाते हैं। और स्टेज 2 होती है जो कि Day 2, 3, 4, 5 तक चलती है। सुन लो बेटा,
बिल्कुल चलेगा आप प्रियदर्शनी, कोई समस्या नहीं। अगर प्रॉब्लम होगी तो आपसे कह देंगे, ऑपरेशन करा लो, चलेगा वो भी। एसएसबी दोनों भाषाओं में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सब मैंने बता दिया। तन्मय पीछे जाकर देख लीजिएगा, सब मिलेगा। अब स्टेज वन वाले दिन क्या होता है? स्टेज वन में जो होता है, एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR। मैं पहले दिन ही बाहर हो गया था एसएसबी में, इलाहाबाद में, ठीक है। मैं एसएसबी में गया था, पहले दिन ही बाहर हो गया था, बड़ी खराब किस्मत है, ठीक है बेटा। तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR कहा जाता है। यहां पर आपसे दो टेस्ट कराए जाते हैं। एक होता है बेटा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, वो पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, कोई बात नहीं बेटा, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। और दूसरा होता है बेटा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो यहां पर दो टेस्ट होंगे, आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और कुछ लिखने को दिया जाएगा। ये आपने पास कर दिया तो आपको डे टू में बुलाया जाएगा, स्टेज टू में बुलाया जाएगा। स्टेज टू में बेटा कई चीजें होती हैं, टास्क होते हैं, इंटरव्यू होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अच्छा, एसएसबी याद रखिएगा, अगर आप आईएमए, आईएमए और एएफए के लिए हैं तो एसएसबी 300 मार्क्स की होगी, और अगर आप ओटीए के लिए हैं तो एसएसबी 200 मार्क्स की होगी, याद रखिएगा। तो यहां पर एसएसबी 300 मार्क्स की है और यहां पर एसएसबी 200 मार्क्स की है, हालांकि काम दोनों में सेम है, ठीक है बेटा। तो स्टेज वन और स्टेज टू। अब भैया तुम्हें यहां पर मार्क्स दिए जाएंगे और मार्क्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब किताब नहीं भैया, फौजी किसी को नहीं बताते हैं कैसे मार्क्स दिए जाते हैं। सो टास्क होंगे आपका, इंटरव्यू होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ये चार दिन चलेगा। उसके बाद बेटा ये एसएसबी के मार्क्स हैं 300, कंप्लीट एसएसबी के। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 क्राइटेरिया में बांट दिया जाएगा, ए बी सी डी और ई, ये 5 ग्रुप्स में बच्चे बांट दिए जाएंगे। अब मान लेते हैं कि अगर आपकी एसएसबी 300 की है या 200 की है, आप ओटीए वाले हैं या वाले हैं। अब ए और बी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनको मार्क्स जो हैं अबव 80% मार्क्स मिले हैं, जिनको 80% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, वाह भाई वाह। और ई वाले वो हैं जिनको मार्क्स बिलो 40% मिले हैं। तो आपको 80% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं और इनको 40% से कम मिले हैं, और इनको 40 से 80% के बीच मार्क्स मिले हैं एसएसबी में। तो मेरे बच्चों याद रखना, जो ए और बी वाले हैं ये बाहर हो जाएंगे। क्यों? इनको कह दिया जाएगा ओवर क्वालिफाइड हैं आप जाकर के यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर लिखिए, नहीं अलाउड हैं। यही मैंने बताया ना बेटा कि मत बताना कि तुमने क्या किया है। और अगर ई में आते हो तो तुम हो अंडर क्वालिफाइड, और सी और डी वाले जो हैं वो हो जाते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो बेटा तुम्हें सी और डी के क्राइटेरिया में आना है, समझ में आई बात? मजा आया कि नहीं आया बेटा? यही हिसाब है बेटा, यही तो फौज है, थम्सअप दिखाओ यार सारे लोग, यही फॉर्मूला है बेटा। तो सी और डी में आना है, तो सी और डी के बीच में रहना है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी मत बनो और बहुत फिसड्डी भी मत बनो। ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए सो ओवर क्वालिफाइड हो जाओगे, और कम हो गए तो अंडर हो जाओगे, तो सी और डी के क्राइटेरिया में आओगे, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि तुम बस नॉर्मल रहना। मेडिकल जो है नॉर्मल होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, नो मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बस नॉर्मल होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहने चाहिए, कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो।
उसके बाद फाइनली आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी और आपकी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज प्लस सैलरी आना शुरू हो जाएगी। जब आप ट्रेनिंग पर रहेंगे तब भी बेटा आपको 70,000 रुपए के आसपास मंथली सैलरी मिलेगी, याद रखिएगा। आई होप द सीडीएस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया सीडीएस क्या है। ई वाले बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल गैप मिलता है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप बन जाते हैं। आज समझ आया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। सो अब बच्चे कहेंगे सर फाइनल कट ऑफ में मार्क्स कितने लाने हैं, सर फाइनल कट ऑफ में मार्क्स कितने लाने हैं। ठीक है बेटा, फाइनल कट ऑफ की मार्क्स अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर मैं सीडीएस 2 2018 की बात करता हूं, सीडीएस 2 2018 वालों की बात करता हूं बच्चों, फाइनल कट ऑफ तो सुन लो। अगर बेटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी दे रहे हो तो रिटन में तुम्हारे कम से कम 116 मार्क्स आने चाहिए थे। देखो मैंने 150 कहा है, कोई समस्या नहीं है, और फाइनली तुम्हारे 242 नंबर होने चाहिए। अगर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए बात कर रहे हो तो 102 और 228, एयरफोर्स एकेडमी की बात कर रहे हो तो 131 और 253, और अगर तुम बात करते हो ओटीए की तो 80 और 162। तो मैं सच बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि रिटर्न में हमेशा एम रखो कि भैया 150 नंबर मिले तुम्हें हमेशा, और एसएसबी में हमेशा एम रखो कि 300 की एसएसबी है तो भैया तुम्हें 120 से 150 नंबर के आसपास लाने, 120 से 130 140 के आसपास, बस इससे ज्यादा मतलब आराम से भैया तुम जो है 270 के आसपास आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। भैया ये हो गया सीडीएस की पूरी बात, अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुन लो, अभी सीएपीएफ की अगली कहानी है। तो सीडीएस वालों को सब समझ में आ गया भाई, अच्छा अब भाई जो लोग सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं सुन लो भाई, आपके लिए ये बैच मेरा आ रहा है, सुन लो भाई, आपके लिए ये बैच आ रहा है लक्ष्य 180 डे मास्टर कोर्स, 2 मार्च से शुरू हो रहा है बेटा अनअकैडमी प्लस पर। 300 घंटे से ज्यादा स्टडी आवर्स, 200 से ज्यादा लाइव क्लासेस, पीडीएफ क्विजेस, डेडिकेटेड डाउट सेशन, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। बेटा मैं इतनी गारंटी देता हूं कि सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो तो 150 प्लस पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हेल्पलाइन नंबर ये आपके लिए बनाया है हमने, यहां पर फोन कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ललित मिश्रा आराम से पेपर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सूरज यादव, आपको इंटरव्यू के समय अपना ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी होगी। इस बैच को कौन कौन पढ़ा रहा है, डॉक्टर अमित सिसोदिया साहब इंग्लिश, रणधीर सिंह सर आपको मैथ्स, मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, और नीतू ढाका मैम आपको साइंस का सेक्शन पढ़ाएंगे। अब सीएपीएफ वालों की बात करते हैं, सीएपीएफ वाले रेडी हैं, जरा रेडी लिख दें, सीएपीएफ वाले रेडी लिख दें भाई फटाफट, आप सब लोग रेडी लिख दें। बेटा अब डिपेंड करता है एसएसबी मेरिट लिस्ट कब तक आ जाती है, कुछ समय में आ ही जाती है। करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा भाई, तौसीफ हसन मैं पढ़ाऊंगा। अब सुनो भाई, अब आती है बात सीएपीएफ की, सीएपीएफ 2020 भाई साहब। अगर बेटा नक्सलियों से लड़ने का शौक है, देखो सेना क्या करती है, देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी करती है, और सीएपीएफ क्या करती है, वो इंटरनल सिक्योरिटी करती है। अरे ये सीएपीएफ वाले क्या करते हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है बेटा, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हैं, हमारे देश के बहादुर, इन्हें कहा जाता है पैरा मिलिट्री फोर्सेस। साल में एक मौका मिलेगा, 2013 में मैंने इसका भी रिटर्न निकाला था, ठीक है बेटा याद रखिएगा, अभी बताएंगे आईटीबीपी, भी टेंशन ना लीजिए।
सीएपीएफ बहुत शानदार पेपर है बेटा, बहुत शानदार पेपर, अच्छा मौका है आपके लिए देश की पैरामिलिट्री में जाने का, और सीधे आप असिस्टेंट कमांडेंट, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर भी कहा जा सकता है, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट कह लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर कह लीजिए, या डिप्टी एसपी कह लीजिए, उस रैंक पर आप जाएंगे, सीधे ऑफिसर बनेंगे देश की पैरामिलिट्री में। अब सुनो नहीं 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 दादा, पैरामिलिट्री, पैरा ऐसा तो सेना में होता है। अब सुनो, सीएपीएफ की बात करें तो भैया सबसे पहला बात यह है कि सर सीएपीएफ का नोटिफिकेशन कब आएगा? भाई नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा जल्दी आने वाला है, याद रखिएगा। सीएपीएफ का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2020 को आ जाएगा, 22 अप्रैल 2020 को नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं? फॉर्म आप भर सकते हैं 12 मई तक, 12 मई 2020 तक। और एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट है आपकी 9 अगस्त 2020। तो सिंपल देखा जाए तो बेटा बहुत अच्छा सुन लो भाई, अभी सब बताएंगे संदीप कुमार पंडित, टेंशन। तो अब आप देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बेटा मात्र 5 महीने हैं, सच बता रहा हूं 5 महीने। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में तो पेपर ही है। और बेटा अगर तुमने आज के तारीख से अभी से पढ़ाई शुरू नहीं की तो इट्स गोइंग टू बी टू लेट। जैसा कि मैंने बताया कि अब वो एग्जाम 2012-13 वाला नहीं है बेटा, ये 2016 से सारे पेपर काफी टफ हो गए, और मुझे लग रहा है कि शायद ये आखिरी मौका है बेटा सीएपीएफ निकालने का। कारण बता दूं क्यों, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल से ये सीएपीएफ जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम में जाने की पूरी चांसेस हैं। ये हो सकता है सिविल सर्विसेज में चला जाए तो आपकी चांसेस और मुश्किल हो जाएंगी, याद रखिएगा। तो सीएपीएफ हो सकता है कि अगले साल सिविल सर्विस में चला जाए तो बेटा ये लास्ट मौका ही मान लीजिएगा, दोनों का प्रीलिम सेम हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं वहां थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको, इसलिए अच्छा मौका है कि अभी कर लो इसी साल। ठीक है बच्चों, सुन लो, अब सुन लो। अब प्रश्न ये आता है, कुछ नोट हैं, सुन लो बेटा, कुछ नोट्स हैं यहां पर, सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी है, आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज याद रखिएगा, यहां पर भी बेटा नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, कोई अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होंगे, नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, कोई अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं। और दूसरी चीज याद रखिएगा, रिजर्वेशन इज देयर, यहां पर बेटा रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन इज देयर। और तीसरी चीज ये है बेटा कि जो आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है बी या सी, सो आपको इंटरव्यू में फायदा मिलेगा, इंटरव्यू बेनिफिट्स हैं, लेकिन कितने हैं वो आज तक स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे सीडीएस में कोई बेनिफिट्स नहीं है, यहां पर बेनिफिट्स हैं लेकिन कितने हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है। घनश्याम जैन ने कहा है कि डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, 12 नहीं किया है, एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हूं, बिल्कुल है, कोई समस्या नहीं। घनश्याम जैन बिल्कुल अवेलेबल है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात सबसे पहली ये आती है कि सीएपीएफ में वैकेंसी सर कितनी आएगी, तो वैकेंसी की बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा आपकी वैकेंसी वही 400 से लेकर 450 के बीच वैकेंसी होगी, जैसे कि सीडीएस में होती है। और कैंडिडेट्स कितने होंगे, वही सेम होंगे, करीब करीब 2.5 लाख से 3 लाख, भैया 2.5 लाख से 3 लाख कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि 50% फॉर्म भरने के लिए भरते हैं, 50% शहर घूमने के लिए आते हैं, 50% जो है वो पढ़ना क्या है ये नहीं मालूम होता है, तो अंत में हार्डली आपका कंपटीशन 30-40 हजार लोगों से बचता है, याद रखिएगा। सो कैंडिडेट्स भले ही कितने हो, अंत में जो सीरियस लोग हैं वो 30-40 हजार ही हैं। अब समझो बेटा, सबसे पहली बात ये है कि सीएपीएफ में एज क्या होनी चाहिए, सुनिए भाई, एज कितनी होनी चाहिए।
याद रखिएगा कि एज ऑन 1 अगस्त 2020 के दिन आपकी उम्र याद रखिएगा नॉट लेस देन 20 ईयर्स, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स। तो 20 से कम ना होना और 25 से ज्यादा ना होना बेटा, ये 1 अगस्त 2020 के दिन। सो 1 अगस्त 2020 के दिन आपकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर बेटा कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं, यहां पर बेटा कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं सरकार द्वारा। जैसे कि अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर्स। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन है 3 ईयर्स, मतलब आप 28 तक दे सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो भी आप कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, तो 5 साल। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल, ठीक है बेटा। तो ये होता है, क्लियर है बेटा। तो एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल। और अगर आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल आपके पास है, सुन लो बेटा, जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन यहां भी मिलेगा आपको, 5 ईयर्स का, ठीक है। अभी सब बताएंगे, प्रीति पारिक समझती रहो बेटा आराम से, पहले अभी चीजें समझो तो पहले, तभी तो मालूम चलेगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि आपको नौकरी कहां मिलती है सीएपीएफ निकालने के बाद। तो सीएपीएफ निकालने के बाद जो नौकरी है 5 जगह मिलती है। सबसे पहले नौकरी मिलती है बेटा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखो बेटा, अगर जंगलों में रहना चाहते हो, नक्सलाइट से लड़ाई लड़ना चाहते हो, माओवादियों से लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो सीआरपीएफ में चले, ठीक है। सीआरपीएफ बेसिकली हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी को देखने के लिए होता है, तो इंटरनल इंसर्जेंसी के लिए है सीआरपीएफ। थोड़ी सी टफ पोस्टिंग होती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में मिल सकती है आपको। सर अगर 25 ईयर्स है किसी की और बीओ ज्वाइनिंग के टाइम 26 है तो समस्या तो नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है अभिषेक राणा। मैंने कहा कि इस तारीख को आपकी उम्र 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस तारीख को कहा है आपसे, ठीक है। सीआरपीएफ बेटा बेसिकली जो है इंटरनल इंसर्जेंसी के लिए है। दूसरा है CISF, ये आप अगर इसमें जाते हैं तो आपको यहां पर बड़े शहरों में पोस्टिंग मिलती है, ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर, बड़ी इंडस्ट्रीज जो हमारे PSUs हैं उनकी सिक्योरिटी पर, मेट्रो की सिक्योरिटी पर। अब जैसे कि आप CISF में एक असिस्टेंट कमांडेंट हैं और आप दिल्ली में हैं, तो पूरी दिल्ली मेट्रो की एक लाइन की सुरक्षा आपके हाथ में है। जैसे ब्लू लाइन का एक असिस्टेंट कमांडेंट होता है, ग्रीन लाइन का एक है, तो पूरे एक लाइन के आप हेड हैं बेटा, समझ लो। तो CISF वाले जो हैं ज्यादातर ये करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बेटा ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये ज्यादातर हमारे देश में सिक्योरिटी में ज्यादा रहते हैं, ठीक है बेटा। हमारे खास तौर से जो ITBP के जवान हैं वो सिक्योरिटी में ज्यादा रहते हैं, VIP सिक्योरिटी मूवमेंट्स हो गया, या हमारे जो एम्बेसीज हैं विदेशों में उसकी सिक्योरिटीज में रहते हैं ITBP वाले ज्यादातर। उसके अलावा ये लोग जो है बेटा इसमें बहुत रहते हैं, क्या नाम है, पीस वाले में, ठीक है, क्या नाम है, ये जो बाढ़ वाड़ आ जाती है उसमें, रिलीफ मिशंस वगैरह में ITBP का ज्यादा काम है। चौथे नंबर पे है बेटा BSF। देखो बेटा ये तो भाई बॉर्डर वाली है, ये तो आपको सीधे बॉर्डर भेजा जाएगा, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, कहीं भी भेज सकते हैं, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, तो बॉर्डर की नौकरी है। और पांचवें नंबर पे है बेटा SSB, सशस्त्र सीमा बल। ये होते तो बॉर्डर वाले हैं लेकिन ज्यादातर जो है शहरों में दंगे पंगे हो जाते हैं, जैसे आजकल दिल्ली में आपको बहुत मिलेंगे SSB वाले, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है बेटा। दिल्ली में आजकल काफी बवाला हो रहा है तो यहां पर मिलेंगे आपको। सो CRPF, CISF, ITBP, BSF और SSP,
याद रखिएगा इन पांचों के लिए आपकी पुरुष और महिलाएं दोनों एप्लीकेबल हैं। यहां पर पुरुष और महिलाएं दोनों एप्लीकेबल हैं, कोई समस्या नहीं। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कॉल्ड बीएसएफ, बिल्कुल सही बात है। अब समझो बेटा, अब प्रश्न आता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। भाई अगर आपको सीएपीएफ का एग्जाम देना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सीएपीएफ का एग्जाम देने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बेटा सुन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन वो भी कोई भी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी। नहीं बेटा आसाम रेफरल इसमें नहीं आती है, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी विद ओनली 33% मार्क्स, 33% नंबरों के साथ ग्रेजुएट हो, और चाहे तुम रेगुलर एजुकेशन से हो, ऑनर्स से हो, पार्ट टाइम हो, प्राइवेट हो, रेगुलर हो, इग्नू हो, करस्पॉन्डेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट होने चाहिए बेटा, याद रखिएगा। इसके बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा। किसके लिए? रिटन पढ़ाई के लिए, रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम जो है एक ही दिन होता है, दो पेपर होते हैं इसमें बेटा, याद रखिएगा। रिटन एग्जाम जो है आपका 450 मार्क्स का होगा। कितने? 450 मार्क्स। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है अंजनी कुमार, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन फॉर्म भर सकते हैं, जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको ले जाकर के अपनी डिग्री दिखानी है। रिटन एग्जाम 450 मार्क्स का है, जिसमें कि आपका पेपर वन और पेपर टू होगा। पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो है, याद रखिएगा, पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन जो है आपका 250 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल आपके 125 क्वेश्चन आएंगे और 250 मार्क्स होंगे। पेपर टू में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स होंगे। 6 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 125 क्वेश्चन, 250 मार्क्स। ऑब्वियसली बात है, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपका जो है सब्जेक्टिव होगा, पेपर पेन से लिखना पड़ेगा। पेपर वन में 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई आपसे। सबसे पहले आपसे रीजनिंग के बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे। तो आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि काफी इजी होते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रीजनिंग के आसान क्वेश्चन, मैथ्स के आसान क्वेश्चन और जनरल स्टडीज। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो 125 क्वेश्चन है ना, इस 125 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि 90 से 100 क्वेश्चन तो जीएस के ही होंगे, 90 से 100 क्वेश्चन तो जीएस के ही होंगे, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। और इन दोनों को मिलाकर हार्डली जो है बेटा 25 से 35 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो 90 से 100 क्वेश्चन तो जीएस के ही होंगे, 125 क्वेश्चन, 250 मार्क्स। अच्छा, पेपर टू में बेटा बिल्कुल आपका अंग्रेजी का पेपर होगा, अंग्रेजी का। इसके अंदर बेटा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जैसे कि एसे होगा, लेटर राइटिंग होगी, प्रिसाइज राइटिंग होगी, ठीक है, ये सब होती हैं चीजें इसके अंदर। अभी बताते हैं, आधा साहब रुक जाइए। सो पेपर टू जो है आपका 200 मार्क्स का है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, और पेपर वन 250 मार्क्स का है, तो टोटल 450 मार्क्स आपको यहां मिलेंगे। 450 मार्क्स आपके यहां पर हैं, 450 मार्क्स। अब सुन लो बेटा, अब होता क्या है कि बहुत अच्छी बात आपको बताना चाह रहा हूं, नोट याद रखिएगा कि बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि यहां पर बेटा जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ इज देयर, सेक्शनल कट ऑफ इज देयर, सेक्शनल कट ऑफ जो होती है होती है, बट इट इज नॉट फिक्स्ड, याद रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ होती है लेकिन वो फिक्स नहीं है, कमीशन पेपर के बाद बताएगी कि सेक्शनल कट ऑफ हमने कितनी रखी है।
जैसे सीडीएस में सेक्शनल कट ऑफ बेटा 20% रहती है, ये बिल्कुल गारंटी है। सेक्शनल कट ऑफ 20% रहती है, वो गारंटी है। लेकिन यहां पर सेक्शनल कट ऑफ जो है वो होगी लेकिन फिक्स नहीं है। हो सकता है 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो जाए, तो सेक्शनल कट ऑफ होगी। सो दोनों पेपरों में पास होना आपके लिए जरूरी है, याद रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ के लिए हो सकता है सरकार कह दे कि पेपर वन की सेक्शनल कट ऑफ 30% है और पेपर टू की 20% है, कोई समस्या नहीं। दोनों पेपरों में पास होना जरूरी है, ये नहीं कि एक में 99% नंबर आ गए दूसरे में 1% आया, ऐसा नहीं है, दोनों में पास होना जरूरी है। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि अगर आपको सेलेक्ट हो गया तो ऑलमोस्ट जो है बेटा रिटर्न में, अगर मैं बता दूं रिटर्न की बात कर लूं तो रिटर्न में ऑलमोस्ट 8000 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, 8000 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको बुलाया जाएगा एक चीज के लिए जिसका नाम होता है पीईटी, बहुत आसान होता है, मैं बता देता हूं बेटा ये बहुत आसान होता है, इसे पीईटी कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये ओनली क्वालिफाइंग, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, ये तो कोई भी निकाल लेगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ओनली क्वालिफाइंग होता है। इसे कहते हैं बेटा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, याद रखिएगा, इसे हम पीईटी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, पीईटी में जाने से पहले एक चीज देख लीजिएगा कि अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट जो है 157 होनी चाहिए। यहां पर हाइट की थोड़ी ज्यादा डिमांड है, ठीक है। पीईटी बहुत आसान होता है, यहां तीन चार चीजें आपसे कराई जाती हैं। क्या चीजें कराई जाती हैं? चार, एक दो तीन और चार। पहली चीज होती है 100 मीटर की रेस, 100 मीटर रेस, अगर भैया पुरुष हो या महिला हो। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 16 सेकंड दिए जाएंगे भागने के लिए, अगर आप महिला हैं तो 18 सेकंड ले लीजिए, कोई समस्या नहीं। फिर आती है 800 मीटर की रेस, अगर आप पुरुष हैं तो 3 मिनट 45 सेकंड आपको दे दिए जाएंगे, और महिला हैं आप तो 4 मिनट 45 सेकंड आपको दिए जाएंगे। फिर आता है बेटा आपका लॉन्ग जंप, बिल्कुल चारों चीजें होंगी, याद रखिएगा। लॉन्ग जंप जो है, अगर आप पुरुष हैं तो 3.5 मीटर लंबी लॉन्ग जंप माननी पड़ेगी, और महिलाएं हैं तो आपको 3 मीटर लंबी लॉन्ग जंप। और चौथी चीज होती है शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट फेंकना पड़ेगा जिसका वजन जो है 7.2 kg होता है। अगर पुरुष हैं तो 4.5 मीटर आपको फेंकना है, महिलाओं को फेंकने की जरूरत नहीं है। तो महिलाओं के 3 ही टास्क होंगे और पुरुषों के 4 टास्क होंगे, तो पुरुषों के 4 टास्क होंगे और महिलाओं के 3 टास्क होंगे, याद रखिएगा। ज्यादातर लोग इसमें पास हो जाते हैं, अब तुम भैया मेडिकली अनफिट हो तो बात अलग है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ज्यादातर लोग हो जाते हैं पास, भाई ज्यादातर लोग जो हैं वो पास हो जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, कोई परेशानी नहीं है। लॉन्ग जंप है बेटा, हाई जंप नहीं है, लॉन्ग जंप। हाई जंप कहां मार पाओगे 3.5 मीटर की बेटा, हैं मून पर थोड़ी ना रहते हो, पृथ्वी पर रहते हो सुमित सिंह राजपूत, ठीक है। 3.5 मीटर बेटा तुम जो है पृथ्वी पर कूदोगे, कैसी बात कर दी तुमने, ठीक है। लॉन्ग जंप होती है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, क्लियर। जल्दी बताओ, थम्स अप दिखाओ यार, फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के बाद तुम्हें बुला लिया जाएगा भैया इंटरव्यू के लिए, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो है बेटा वो तुम्हारा 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स, सिंपल कंसेप्ट है। मार्क्स कैसे दिए जाएंगे वो तो आप जानते ही हैं। उसके बाद आपको फिर वही काम किया जाएगा, ए बी सी डी और ई, 5 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनको अबव 80% मार्क्स मिल जाएंगे, ये वो होंगे जिनको 40% से कम मिलेंगे, और ये वो होंगे जो कि 40 से 80% 80 के बीच में होंगे। तो याद रखिएगा ये बाहर, क्यों, क्योंकि ओवर क्वालिफाइड, ये बाहर क्योंकि अंडर क्वालिफाइड, और ये क्या हो गए, ये हो गए रिकमेंड कैंडिडेट, रिकमेंडेड कैंडिडेट हो गए बेटा ये आपके, डन।
रिकमेंडेड कैंडिडेट आपके ये हो गए ओवर। अब होता क्या है कि आपको सेफ स्कोर क्या है, मैं आपको बता दूं सेफ स्कोर क्या है। हमेशा आपको हमेशा अपने दिमाग में एक सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए। वो ये है कि सर मैं तो रिटर्न में जो है भैया मुझे टोटल 200 नंबर लेके आऊंगा, रिटर्न में 200 का टारगेट लेके चलो, बहुत फायदे में रहोगे। और इंटरव्यू में याद रखिएगा कि आपका जो है 100 मार्क्स मिल जाए आपको, तो आपके अगर 300 मार्क्स का टारगेट लेके चलोगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। 300-350 लेकर चलोगे तो आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें एक ही होता है इंजनी कुमार, इसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है। इसके बाद अगर कट ऑफ की बात करें, देखो कट ऑफ देख लो कितनी आई है। कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं, अभी जो सबसे रिसेंट आई है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो याद रखिएगा रिटर्न और फाइनल। तो जनरल कैंडिडेट के लिए रिटर्न की कट ऑफ है 166, इसीलिए मैं कह रहा हूं 200 लेके चलो। और आपका फाइनल जो स्कोर आया है वो है 282, ओबीसी में 163, 281, एससी में 142, 255, शेड्यूल ट्राइब में 136 और 251। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ये बहुत फायदेमंद है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहां पर मात्र 58 मार्क्स और यहां पर 169। यस, बिल्कुल सब बता रहा हूं। इंटरव्यू में बेटा सिर्फ इंटरव्यू होता है, सिर्फ और कुछ नहीं होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब उसका मैं कभी कुछ नहीं बता सकता आपको कि भैया वहां क्या पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने तुमसे कहा कि एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर नहीं बेटा, एक्स सर्विसमैन का मतलब है जो कि फौज में थे, जो फौज में थे एक्स सर्विसमैन उन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो उस दुनिया में, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो याद रखना बेटा, एनसीसी का फायदा क्या होता है कुछ नहीं बताया इन्होंने। याद रखना कि उस एग्जाम की हमेशा क्वालिफिकेशन देख लो क्या है। मान लो कि अगर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है और तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो तो इंटरव्यू में मत बताना कि तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो। जैसे मान लो कि आपने बीटेक एमटेक कर रखा है तो कभी मत बताना तुमने एमटेक कर रखा है, बताना तुमने बीटेक कर रखा है, वरना बेटा वो तुम्हें ओवर क्वालिफाइड की श्रेणी में डाल देंगे कि भैया जब एमटेक कर रखा है तो यहां क्या कर रहे हो, भगवान यहां से, कभी मत बताना। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कभी मत बताना, जरूरत नहीं है। हाँ, अनलेस अनटिल आपने कोई बहुत बड़ा योगदान हो तो बता दीजिएगा कि आपका कोई अचीवमेंट हो। अगर अचीवमेंट में ये नॉर्मल है तो बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पीएचडी क्यों करी है भैया, पीएचडी करी है तो सीएपीएफ में क्या करने आ रहे हो, जाओ जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। समझ में आ रहे हो बात? तो भैया इसे बताने की बिल्कुल जहमत गलती मत करना। अब बात यह आती है हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प। अब हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम आपकी मदद ऐसे कर सकते हैं कि जो लोग CDS2 और CAPF का पेपर देने जा रहे हैं 2020 का, मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं कि मैं CDS2 में आपको 150 प्लस और CAPF में 220 प्लस मार्क्स दिलाने की गारंटी लेता हूं रिटर्न। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा एक बैच आ रहा है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए CAPF 2020 और CDS का हमारा बैच आ रहा है, ठीक है बेटा। अब ये बैच समझो इसके फायदे क्या है। 300 घंटे से ज्यादा की क्लासेस मिलेंगी आपको, बहुत ज्यादा बेटा डिटेल्ड बैच है, जिसमें से 200 से ज्यादा तो लाइव क्लासेस हैं। आपको PDFs मिलेंगे हर टॉपिक के, मतलब आज मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, शाम को PDF ले लो। आपको क्विजेस मिलेंगे, याद रखिएगा डेडिकेटेड डाउट सेशंस। अनअकैडमी पर हर चौथा सेशन जो होता है डाउट सेशन होता है, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ये बैच कौन पढ़ाने वाला है ये देखो,
डॉक्टर अमित सिसोदिया सीडीएस में इंग्लिश पढ़ाएंगे और सीएपीएफ में जो लोग पेपर टू तैयारी कर रहे हैं पेपर टू वो भी डॉक्टर अमित सिसोदिया पढ़ाएंगे। मैथ्स जो है रणधीर सर पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स और नीतू ढाका मैम पढ़ाएंगी आपको साइंस। और क्योंकि सीएपीएफ में रीजनिंग का भी पोर्शन होता है छोटा सा वो आपको मोहित कवात्रा सर पढ़ाने वाले हैं। अब आप पूछेंगे सर शेड्यूल कैसा है, तो देखो बेटा ऐसा है कि हम तुमसे ज्यादा समय नहीं मांगेंगे, पूरे हफ्ते में हफ्ते के 20 घंटे निकालने हैं तुम्हें। कितने? 20 घंटे, सच बता रहा हूं, हफ्ते के 20-22 घंटे बेटा तुम्हें डेडिकेट करने पड़ेंगे पढ़ाई को लेकर। मतलब अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मान लेते हैं हम 6 दिन पढ़ाई करते हैं, तो पर डे के 4 घंटे तुमसे मांगूंगा। शेड्यूल क्या है सुन लो बेटा, सबसे पहले आपको इंग्लिश कराई जाएगी दोपहर को, सबसे पहले शुरुआत होगी अंग्रेजी से। अंग्रेजी की क्लास चलेगी बेटा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अंग्रेजी की क्लास दोपहर को 2 बजे। उसके बाद मैं आऊंगा जीएस, मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स मेरा जो पोर्शन है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 4 बजे। अब जीएस में जो साइंस वाला सेक्शन है वो अलग होगा, साइंस वाला सेक्शन नीतू ढाका मैम ट्यूसडे और थर्सडे 4 बजे, जिस दिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा ट्यूसडे और थर्सडे वो पढ़ाएंगे। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। और रीजनिंग का पोर्शन छोटा सा है तो ये आपका संडे और वेडनेसडे, ठीक है, संडे और वेडनेसडे रात को 10:30 बजे, ठीक है। तो सच बता रहा हूं इंग्लिश वाले सर आपके हफ्ते में करीब करीब 5 घंटे लेंगे, मैं आपके हफ्ते के 6 घंटे लूंगा, मैम आपके हफ्ते के 3 घंटे लेंगी, रणधीर सर आपके हफ्ते के 5 घंटे लेंगे और ये आपके हफ्ते के 2 घंटे। तो आप देख सकते हैं कि 5, 6, 11, 3, 14, 5, 19, 2, 21, तो आपको हफ्ते के 21 घंटे डेडिकेट करने हैं पर वीक। बेटा इतना तो आप कर सकते हो, इससे फायदा ये होगा सुनो कि आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज, कोई किताब मत खरीदना, कुछ भी ना करना, कोई किताब नहीं, कोई मॉक टेस्ट नहीं, क्योंकि हम सब कुछ आपको कराएंगे, नो प्रैक्टिस पेपर, कोई प्रैक्टिस पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की बात नहीं है, क्योंकि ये बेटा ऑल इन वन कोर्स है। आपको इस कोर्स को खरीदना है, मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा QA Live। अब आप कहेंगे सर कितने दिन का सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन कितने दिन का लेना है, सब्सक्रिप्शन कितने दिन का लेना है, तो सब्सक्रिप्शन बेटा 1 साल का बेस्ट है। क्यों बेस्ट है उसके कारण बता देता हूं। कारण यह है कि बेटा आप जो है अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें ले सकते हैं, अगर आपको गारंटी है कि भाई मैं 1 शॉट में पेपर निकाल दूंगा। लेकिन बेटा आपको अगर लगता है कि नहीं सर मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे और भी पेपर निकालने हैं साल में, तो बेटा 1 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा होता है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है 8,000 रुपए में मिलता है। मेरा कोड इस्तेमाल करोगे QA Live, 800 का और डिस्काउंट ले लो बेटा, 7200 रुपए मात्र में, मेरा कोड इस्तेमाल करके QA Live का इस्तेमाल करके तुम्हें 7200 रुपए में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें तुम्हें CDS, CAPF, AFCAT, INET, NDA हर एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे तुम्हारी तैयारी होती जाएगी। आई होप सबको क्लियर है बेटा। ये अर्पित गुप्ता प्लस पे शो हो रहा है, जाकर देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव 180-डे कोर्स के नाम से होगा। अर्पित गुप्ता आप जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव 180-डे कोर्स के नाम से मिलेगा।